हमारी गाड़ी से चला रहे हैं भाई गाड़ी को आगे आगे मशीन बेचे बेचे गाड़ी। क्या है भाई ये आया भाई न्यू मेंबर बोलो। भाई मशीन दब चुकी है डाल देते हैं दो नंबर। ये वापस कहाँ जाएगी ये लो भाई। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजेश आपका अपने न्यू व्लॉग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे मस्त होंगे चकाचक होंगे। क्या कर रहे हो भाई साहब? तो भाई साहब आप देख रहे हो कि भाई हम 3 दिनों से यहीं पर काम कर रहे थे भाई। 3 दिन हमें इसलिए लगे भाई, ये आज है भाई 3रा दिन। तो 3रे दिन में भाई हमने काम कम्प्लीट कर दिया। कल भाई हम आपको पता है भाई बार बार पूरे दिन में 5 डंपर भरे थे भाई हमने। तो भाई यहाँ से आने जाने में भाई ज्यादा वक्त बहुत ज्यादा जा रहा था। 1 डंपर भर के आने में भाई हम यहाँ से भाई थोड़ा दूर जाना पड़ता था। तो भाई मेरे को 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम लगता था लगभग 2 घंटे तो लगते भाई वापस मशीन से रवाना होके मशीन तक पहुँचने के लिए। चलो भाई ठीक है, करते हैं इसी के साथ व्लॉग को कंटिन्यू। जिन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। चलो भाई ठीक है। तो भाई अभी हमने काम रात को ही हमने थोड़ा कंप्लीट कर दिया था। थोड़ा सा काम बचा था भाई वो अभी हम कंप्लीट करके आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई आगे मशीन को लेके वापस। तो अभी मशीन को हम छोड़ेंगे भाई बुआ के घर ही, क्योंकि यहाँ पर मशीन इसलिए छोड़ेंगे कि आज शाम को संभावना है भाई थोड़ा सा काम और मिलने की यहीं पर। तो भाई नहीं तो वापस आना थोड़ा मुश्किल रहता है थोड़े काम के लिए। ज़्यादा बड़ा काम हो तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं तो भाई डीजल का खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हम मशीन को छोड़ देंगे यहीं पर, संभावना है भाई 1 सींग और मिलने की। तो देखते हैं क्या होने वाला है, बाकी भाई जो भी होगा वो आपको दिखाई देंगे। बाकी अभी हम चलेंगे भाई यहाँ से डंपर के साथ में इस वाले भट्टे पे चलेंगे, उसके बाद भाई हम जाएंगे अपने घर सुरपाड़े वाले भट्टे पे। तो देखते हैं भाई, बने रहो वीडियो में और वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कहीं भी भाई गलती हो ना तो भाई तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, माफ़ी कर दिया करो भाई अपने छोटे भाई को, और कोई छोटे भाई देख रहे हैं तो अपने बड़े भाई को भी भाई माफ़ कर दिया करो। चलो भाई कर रहे हैं मौज मस्ती और आपको भी करवा रहे हैं। किशन चल रहा है भाई अपने साथ साथ बाइक लेके, देखो आगे धीरे धीरे वो भी मस्ती करता चल रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम मिलता है मस्ती का तो उस टाइम में भाई हम कोई कसर नहीं छोड़ते मस्ती करने में, मस्ती कर ही लेते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जाके फिर तो भाई काम तो करना ही है आगे जाके, तो रास्ते में ही होता है भाई अपने को मस्ती करने का टाइम बस यही मिलता है। ये जो रास्ता है ना, रास्ते के अंदर भाई अपने इच्छा से भाई चलते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी भाई भाग दौड़ तो ऐसे ही चलती रहती है ज़िंदगी में। बाकी हमने मशीन में 4 नंबर गेयर डाल दिया है और मशीन चल रही है आराम से। अभी भाई हमें थोड़ा उधर से घूम के आना पड़ेगा। बाकी जो ये आपको ये वाली सीन नज़र आ रही है ना सामने वाली, उसके उधर वाला खेत ही है अपने बुआ का। तो वहाँ पर आने के लिए यहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है, तो उधर से हमें घूम के आना पड़ेगा बाहर से। तो 1 किलोमीटर का भाई यहाँ से गोला ही पड़ जाएगी, 1 किलोमीटर गोता खाना पड़ेगा हमें, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेंगे तब जाके यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं भाई, चलना तो पड़ेगा ही, चलते हैं अभी मशीन को छोड़ते हैं, फिर देखते हैं डंपर वालों से बात करते हैं वो कहाँ है, फिर भट्टे चलेंगे। ये वाला घर है भाई बुआ का जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, उधर से घूम के आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर मशीन को छांव में खड़ा कर देंगे, फिर भाई कल काम मिलेगा या शाम को मिलेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। गाड़ी चला रहे हैं भाई गाड़ी को आगे आगे मशीन बेचे बेचे गाड़ी। जा रही है भाई गाड़ी भरने के लिए और हम मशीन को यहीं खड़ा करेंगे, फिर हम चलेंगे भाई डंपर के साथ भट्टे की तरफ।
ये पहुंच गए भाई, यहाँ से गेट है आगे से। कर दिया भाई मशीन को हमने यहाँ पर खड़ा, खेजड़ी की पूरी छाया आएगी भाई मशीन के ऊपर। अभी तो भाई धूप नहीं है ज़्यादा, बाद में जब भी धूप आएगी ना दोपहर के टाइम, तब भाई पूरी छाँव आएगी। किशन जा रहा है भाई खिड़क बंद करने के लिए, और डंपर अपना गया भरने के लिए। डंपर भाई जा चुका है भरने के लिए और किशन भाई खिड़क बंद करके आ रहा है। चलो अभी हम थोड़ी देर फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, उसके बाद भाई जब डंपर भर के यहाँ आएगा तभी तो भाई उसको 2 घंटे लगने वाले हैं यहाँ तक आने में, तो 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा। तब तक वो आएगा तब तक हम फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेंगे, उसके बाद ही उसके साथ चलेंगे। चलो भाई चल रहे हैं भाई बाइक लेके सुरपालिया की तरफ। मशीन को हम वहीं छोड़ गए हैं भाई, पूरे दिन की मशीन वहीं खड़ी है। अभी हम जा रहे हैं भाई सुरपालिया, और फिर भाई कल काम होगा तो कल आएंगे, नहीं तो भाई देखेंगे जब काम होगा तभी आएंगे भाई वापस। देखते हैं भाई क्या बनता है आगे, काम के आधार पर ही भाई डिसाइड होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी हम चल रहे हैं, देख रहे हो आप कोम्बो जी की बाइक लेके जा रहे हैं भाई। चल रहे हैं भाई आराम आराम से सुरपालिया की तरफ। फिर से बंद आ चुका है भाई साहब भट्टे पे सुरपालिया वाले में, और आज मैं आपको बहुत ही खास चीज दिखाने जा रहा हूँ जो मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था भाई दिखाने के लिए। ये लो आ चुका हूँ भाई भट्टे पे, और ये चेक करो भाई अपने हाथ में क्या है भाई, ये क्या चीज है भाई, क्या है भाई ये आया भाई न्यू मेंबर अपने घर में, ये चेक करो भाई शाम लेके आया Ultra S24 भाई Ultra S24 सैमसंग का है भाई ये।
ये शाम लाए अभी भाई। इसका मैंने भाई चेक नहीं किया, पहली बार मैं इसको हाथ में लेके देख रहा हूँ। इसको लाए हुए भाई थोड़ा ही टाइम हुआ है, क्योंकि इतने दिन मैं घर आया नहीं था और जल्दी जल्दी आया था। उस टाइम भाई मैं जल्दी जल्दी सुबह जल्दी निकल रहा था ऐसा करके। फिर अभी चेक करो भाई, आज मैं जी भर के इसको देखूंगा, पहले चलाऊंगा समझूंगा क्या चीज़ है, उसके बाद ही भाई मैं आपको दिखाऊंगा भाई क्या है ये हकीकत में, भाई इतने रुपए का फ़ोन है कि नहीं है। वैसे भाई फ़ोन तो इतने रुपए का ही है यार, चीज़ हाथ में लेके ही भाई ऐसा लग रहा है फिर ही अलग ही चीज़ हो रही है भाई। ये चेक करो आप, अल्ट्रा S24 की। बंदा आप रगड़ दे बस। करो। ये क्लिप है भाई नागौर की दुकान की, जहाँ से श्याम मोबाइल ले रहा था भाई उस टाइम की। देखो मोबाइल का सेटअप कर रहा है, पहली बार सिम डाल रहा है भाई, एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल है ये। चेक करो उसी टाइम के, क्यों भाई मैं तो जा नहीं पाया था वहाँ पर। और ये दुकान वाले ही सेटअप कर रहे हैं, श्याम और मुकेश ही गए थे भाई साहब, वो लेके आए थे मोबाइल। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो मशीन चलाने में बिजी था इस वजह से। ये चेक करो भाई, पहली बार खुल रहा है मोबाइल, ये लो सैमसंग गैलेक्सी। और भाई बहुत ही खतरनाक वाला सीन होने वाला भाई, ये बहुत ही खतरनाक वाला नेक्स्ट लेवल का। पहली बार आ रहा है भाई अपने घर में और अपने पास भाई इतना बड़ा मोबाइल। अभी इसको हम भाई कल पहले जी भर के चलाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसा है मोबाइल, चलने में कैसा है, क्या हकीकत में भाई इसके इसको भाई हमें लेना चाहिए, इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं खर्च करने चाहिए भाई, ये बाद की बात हो गई। पहले हम भाई इसको जी भर के चलाऊंगा मैं जरूर। ये लो भाई सेटअप चेक करो पहले आप इसका, बाकी की बात हम कल वाले व्लॉग में करेंगे। वीडियो बना के सब्सक्राइबर मोनेटाइज वीडियो बना लेंगे। अच्छे ज्यादा अपने बड़े ही कॉम्पिटिशन होगा ना, मैंने एक बार काम और करके। फिर और कोई वीडियो बना के आया तो फनी खुद कॉमेडी करनी है और वीडियो बना। और वो वीडियो के हिसाब से बड़े काम रहे।